नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। आज 3 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इन 3 वंदे भारत ट्रेनों को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई है। आपको हम बता दें कि इन 3 वंदे भारत ट्रेनों में से एक ट्रेन यूपी में चलेंगी। ये तीनों नई वंदे भारत ट्रेनें कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों को जोड़ेंगी। चलिए आपको एक एक करके बताते हैं कि इन तीनों ट्रेनों की रूट क्या होगी। सबसे पहली वंदे भारत ट्रेन चेन्नई सेंट्रल से नागरकोइल तक जाएगी। दूसरी वंदे भारत ट्रेन मदुरई से बेंगलुरु कैंट तक जाएगी और तीसरी मेरठ सिटी से लखनऊ तक का सफर तय करेगी। वहीं हरी झंडी दिखाने के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत से जहां भी ये ट्रेन चलती है वहां के पर्यटन में उछाल आता है। इससे स्थानीय व्यवस्थाओं को बढ़ावा मिला है और रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। मैं इस उपलब्धि के लिए नागरिकों को बधाई देता हूं। देश की विकास यात्रा में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज से मदुरई बेंगलुरु, चेन्नई नागरकोइल और मेरठ लखनऊ के बीच वंदे भारत ट्रेनों की सेवा शुरू हो रही है। वंदे भारत ट्रेनों का ये विस्तार, ये आधुनिकता, ये रफ्तार हमारा देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर कदम दर कदम बढ़ रहा है। आज जो 3 वंदे भारत ट्रेनें शुरू हुई हैं, इनसे देश के महत्वपूर्ण शहर और ऐतिहासिक जगहों को कनेक्टिविटी मिली है। टेंपल सिटी मदुरई अब आईटी सिटी बेंगलुरु से वंदे भारत के द्वारा सीधे जुड़ गया है। त्योहारों या वीकेंड पर मदुरई और बेंगलुरु के बीच आवाजाही के लिए वंदे भारत ट्रेन द्वारा काफी सुविधा होगी। साथ ही ये वंदे भारत ट्रेन तीर्थ यात्रियों के लिए भी बहुत कारगर साबित होगी। चेन्नई से नागरकोइल रूट की वंदे भारत से भी छात्रों को, किसानों को और आईटी प्रोफेशनल्स को बहुत लाभ होगा। जिन जगहों तक वंदे भारत एक्सप्रेस की सुविधा पहुंच रही है वहां पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आज यूपी और खासकर पश्चिमी यूपी के लोगों को मेरठ लखनऊ रूट पर वंदे भारत ट्रेन के जरिए भी खुशखबरी मिली है। मेरठ और पश्चिमी यूपी क्रांति की धरती है। आज ये क्षेत्र विकास की नई क्रांति का गवाह बन रहा है। वंदे भारत आधुनिक भारतीय रेलवे का नया चेहरा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज शहर में हर रूट पर वंदे भारत की मांग है। हाई स्पीड ट्रेनों के आने से लोगों को अपने कारोबार, रोजगार और अपने सपनों को विस्तार देने का भरोसा मिला है। आज देश भर में 102 वंदे भारत रेल सेवाएं चल रही हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।